मुल्तानी कॉलोनी के अवाम का भी बेहद शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने MIM की भरपूर तारीफ की। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय श्री विजयलक्ष्मी सिल्क शिवनगर बिदर, TMK एंटरप्राइजेस अथोराइज्ड MI स्टोर, जैस्मिन PU कॉलेज ऑफ साइंस एंड आर्ट्स, केयर एंड क्योर हॉस्पिटल चिद्री रोड बिदर, RK कंस्ट्रक्शंस एंड होप क्लिनिक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी बल्दिया इंतखाबात के नतायज हमारे सामने हैं। जैसे कि हमको उम्मीद थी वैसे नतायज नहीं आए, लेकिन जो भी नतायज आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा ईमान है कि वल खदरी खैरी ही व शर्री ही मिनल्लाह ताला, यानी जो कुछ भी अच्छा और बुरा होता है अल्लाह की जानिब से होता है। शायद इसी में अल्लाह ताला ने खैर रखा है। मैं उन तमाम वोटर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने MIM के हक़ में अपने वोटों का इस्तेमाल किया। मैं आज के इस मौके पर यह कहना ज़रूरी समझता हूँ कि MIM ने जुमला 15 उम्मीदवार अपने मैदान में उतारे थे और उनमें से दो ने कामयाबी हासिल की। वार्ड नंबर 1 से अब्दुल अजीज़ मुन्ना ने और वार्ड नंबर 10 से अनिल घाड़प्पा गंजगेकर ने। वार्ड नंबर 10 से MIM ने जो कामयाबी हासिल की वो बीदर में एक तारीख साज कामयाबी है। सबसे ज़्यादा लीडिंग बीदर में पूरे 33 उम्मीदवारों में MIM ने मुल्तानी कॉलोनी से 2000 वोट लेकर हासिल की और उसका जो विक्ट्री मार्जिन है वो 1200 वोट का है, जो एक रिकॉर्ड है। इससे कबल भी इंतखाबात में एक दलित कैंडिडेट वार्ड नंबर 28 से हमने जितवाया था, उसका भी एक रिकॉर्ड था कि उसके मुकाबले में जितने लोग खड़े थे सभी के सारे 9 लोगों की ज़मानतें जब्त हुई थी। इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह मुल्तानी कॉलोनी के कैंडिडेट ने बेहतर मुजाहरा किया। उसके लिए वहाँ के हमारे नौजवान शेख अजहर भी काफ़ी हद तक ज़िम्मेदार हैं। पिछले इलेक्शन में वो 50-52 वोट से हारे थे और उनकी इसी शिकस्त का बदला मुल्तानी कॉलोनी की अवाम ने अनिल कुमार गंजगेकर को जिता कर लिया है। मैं मुल्तानी कॉलोनी की अवाम का भी बेहद शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने MIM की भरपूर तारीफ की और वहाँ पर इतने ज़्यादा वोटों से वहाँ के उम्मीदवार को जिताया। मैं ये बताना भी ज़रूरी समझता हूँ कि हार और जीत ये दोनों किसी भी सियासी पार्टी के का एक हिस्सा हैं, ये होते रहते हैं, लेकिन इससे हिम्मत और हौसले हारने की ज़रूरत नहीं है। हम और मुसलसल काम करते रहेंगे। एक बात जो देखने में आई इस मर्तबा इलेक्शन में, लोगों का बहुत ज़्यादा पैसे का जोर चला और फिर देखने में आया कि बोगसिंग भी बहुत ज़्यादा हुई है। मेरा ख़्याल है कि MLA इलेक्शन के पेश नज़र कांग्रेस पार्टी ने ये बोगस ID कार्ड्स वगैरह तैयार किए हैं, जिसका फ़ायदा कांग्रेस के उम्मीदवारों को हुआ है। वरना कांग्रेस की ऐसी पोजीशन नहीं थी बीदर में कि कांग्रेस इतने सीटें हासिल कर सके। मैं इलेक्शन कमीशन से और डिप्टी कमिश्नर और तहसीलदार से इस बात की ख्वाहिश करूंगा कि वो इन बोगस वोटिंग के बारे में सख्ती से नोट ले और इन बोगस वोटिंग्स को ख़त्म करने का काम करें।